पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से धुल लेंगे। मैंने 250 ग्राम पोहा लिया है। पोहे को धुल के दो तीन पानी से अच्छे से इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ी हल्दी और नींबू का जूस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नमक लेके अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक अभी डालने से क्या होता है कि पोहे में नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है। कढ़ाई लेंगे, गैस जलाएंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें मूंगफली डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे, एक चम्मच के आसपास। अब इसमें हम राई हमारी राई अच्छे से तड़क जाए। अब हम इसमें जीरा कटी हुई 3 से 4, हरी मिर्ची, धनिया में, अब कड़ी पत्ता, प्याज थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देंगे, जो काट के आलू रखी है। मैं एक आलू छोटी छोटी काट के रख लेंगे, उसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने पोहा में भी नमक डाला है, तो ज्यादा नमक नहीं डालना है। नमक डालने से हमारी आलू अच्छे से पक जाएगी। आलू को हम ऐसे मसाले को सारी सब्जियों को चलाते रहेंगे जिससे हमारी सब्जियां नीचे लगे नहीं। हमारी आलू अच्छे से पक गई है, प्याज भी अच्छे से हो गया। अब हम इस स्टेप पे पोहा जो है उसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए से रख देंगे, जिससे हमारा पोहा अच्छे से पक जाए। हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे कटी हुई हरी धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पोहा बन चुका है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने मूंगफली डाल के मिक्स नहीं किया है, ऊपर से डालूंगी। आप चाहो तो पोहे में डाल के मिक्स कर लीजिए। मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू।